आयोग से शिकायत की है। दरअसल यहां पर सत्यनारायण शर्मा समेत कई कांग्रेस नेताओं ने यहां शिकायत दर्ज कराने के लिए पहुंचे बीजेपी प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ यहां पर शिकायत दर्ज कराई गई है। अब आपको बता देते हैं शिकायत किस कारण दर्ज करवाई गई है। दरअसल यहां आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। प्रचार प्रसार के विज्ञापन को लेकर भी शिकायत दर्ज कराई गई है। विज्ञापनों में गलत आंकड़े और भ्रामक जानकारी देने का भी आरोप लगा है। राम के नाम पर झूठ बोलने का आरोप लगाया गया है। बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं जहां निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराने के लिए पहुंचे बीजेपी प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ ये शिकायत दर्ज कराने के लिए पहुंचे कांग्रेसी। विज्ञापनों में गलत आंकड़े और भ्रामक जानकारी देने का आरोप लगाया गया है। रायपुर से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। राम के नाम पर झूठ बोलने का भी आरोप यहां पर लगाया गया है कांग्रेसियों द्वारा। बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग तक की गई है। बहुत साफ बात दिखाई दी है। निर्वाचन चल रहा है, निर्वाचन में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरह से माहौल बनाने की कोशिश की है और नाजायज काम करने की कोशिश की है, इसके लिए हम सब मुख्य निर्वाचन आयोग को आयोग में ज्ञापन देने गए थे। क्या है कि आप जिधर देखिए उधर झंडा, जिधर देखिए अखबारों में विज्ञापन, जिधर देखिए उधर दबाव, शासकीय तंत्रों को दबाव, ये सब कांग्रेस कार्यकर्ता को देखने को मिला है। इसलिए निष्पक्षता के साथ चुनाव हो, हम सब की मांग यही है। देखिए, चुनाव आयोग के द्वारा सभी प्रत्याशियों के लिए एक दिशा निर्देश जारी किया गया है और यहाँ हम लोग देख रहे हैं रायपुर लोकसभा में प्रत्याशी के द्वारा सारे निर्वाचन नियमों का धज्जी उड़ाते हुए जो है बिना अनुमति के सारे जो कामों पर प्रतिबंध है वो सारे काम कर रहे हैं। रायपुर लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल जी मंत्री पद को बिना इस्तीफा दिए चुनाव लड़ रहे हैं और वो अपने मंत्री पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। पद में रहते हुए अपने अधीनस्थ अपने विभाग के कर्मचारी अधिकारियों को ड्यूटी में लगा के रखे हैं। सबसे पहले तो उनको इस्तीफा देना था, उसके बाद नामांकन भरना था और अपने जिस तरह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो वे शासन का पूरी तरह से उपयोग इस चुनाव में कर रहे हैं। उसी बात का हम यहाँ पर ज्ञापन देने और विरोध करने आए हैं। यहाँ तक कि आंगनबाड़ी मितानिन लोग भी उनके कार्यकर्ता के भांति काम कर रहे हैं